अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये सब मैं क्या लेकर के बैठ गई। तो जी हाँ, कल रात में मैं गई थी ग्रोसरी के लिए। कुछ चीज़ें हमारी, कुछ क्या, सारी चीज़ें फिनिश हो चुकी थी। तो 3-4 महीने की ग्रोसरी हम एक साथ करके आते हैं, तो रात में ये सारी चीज़ें हम लेकर के आए थे और ला करके इन सब चीज़ों को हमने रख दिया था। अब सुबह हस्बैंड घर में थे और बच्चे अभी सो ही रहे हैं, उससे पहले हमने सोचा इन सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख दी जाए। तो एक्चुअल में जो स्टोर है, जो कबर्ड हमारे बने हुए हैं, वो हमारे बेडरूम में ही है। तो मुझे बेडशीट ऑलरेडी आज चेंज करनी थी, तो सब चीज़ें हमने उसी पे फैला दी हैं। और ये देखिए, ये चिकन का टिक्का मसाला मैंने मांगा था, इन्होंने शान का वो दे दिया है, सॉरी चिकन मसाला। देखते हैं कैसा है, कभी हमने ट्राई तो किया नहीं है। और ये लंच के लिए हम बना रहे हैं मुर्ग मुसल्लम, तो सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दें। वॉश किया हुआ चिकन ये है, इसको हमने कट लगा दिया है, पहले मैरिनेट करेंगे। तो नमक और वेनेगर के साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये फर्स्ट मैरिनेशन है इसका। और सेकंड मैरिनेशन में इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में चाट मसाला है और गरम मसाला खुशबू वाला, और साथ में काला नमक भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी हमने डाल दी, हरी मिर्च क्रश करके डाली है, और नमक सिंपल रेगुलर नमक जो होता है वो ऐड कर दिया। और इसमें जाएगी दही, दही थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, और ये है रेड कलर, ऑरेंज कलर जो होता है, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। इन सबको अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। अच्छा, जो मैरिनेशन का मसाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे, साथ में हमने केवड़ा वाटर ऐड किया है, तो जो इसका मैरिनेशन बचेगा उसे भी हम यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से रब कर देंगे चिकन के ऊपर और कुकिंग ऑयल इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से मैरिनेशन करके इसे हम ओवरनाइट रखेंगे, तो ये बहुत अच्छा तैयार होगा। ये मुर्ग मुसल्लम है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। और कम से कम अगर ओवरनाइट नहीं तो 5-6 घंटा आप इसे रख दीजिए। उसके बाद इसमें फिलिंग के लिए ये हम रेडी करेंगे। फिलिंग बनाने के लिए इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल नहीं है, ये घी है, साथ में इलायची है, खड़ी ग्रीन इलायची, चॉप की हुई प्याज, और ये हमारे पास मटन का कीमा है। आप चाहिए तो चिकन का ले सकते हैं, वैसे मटन का डालिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ में डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, प्याज चॉप करके इसमें डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, रेगुलर मसाले जो डालते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए और इसे कुक कर लीजिए, यानी जब तक कि कीमा हमारा जो है वो टेंडर ना हो जाए, अच्छे से पक ना जाए। तो ये हमारी फिलिंग हो जाएगी इस तरह से रेडी। थोड़ा सा पानी हमें डालना पड़ेगा क्योंकि ये मटन का कीमा है, तो उसे गलने में टाइम लगता है। इधर हमने सोक करके रख दिया है बादाम और काजू, इसको आगे यूज़ करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बादाम जो है क्रश करके इस क्रीमे में भी ऐड कर देंगे। तो जी हाँ, देखने में ये जितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में कहीं भी उससे ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। धनिया डाल दीजिए और इसे कूल डाउन कर लीजिए। और इसमें हम डालेंगे एग, तो इसमें 2 एग डाल देंगे, बॉईल किया हुआ एग है, इसे डाल के थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि मसाला इस पे कोट हो जाए। चिकन हमने पहले से निकाल करके बाहर रख दिया, ये फिर जो मसाला में इसको लगा करके मैरिनेट करके एक दिन पहले हमने रख दिया था। तो ये चिकन जो है अब हमने इसको निकाल लिया है, और मसाला इधर फिलिंग जो है कूल डाउन हो गई है, अब इसमें इसको फिल कर देंगे। तो देखिए, इसको आप संभाल के अपने हिसाब से फिल कर दीजिएगा, इसको सील कर दीजिएगा ताकि फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। तो इसका जो टेस्ट आएगा, आपने कभी शादियों में, पार्टी में या कभी रेस्टोरेंट में खाया होगा, उससे भी ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा फिलिंग भर दी थी, चिकन जो था वो छोटा था साइज़ में, तो बड़ा जो चिकन होता है उसमें 2 एग चले जाते हैं, लेकिन हमने, ये छोटा चिकन था, हम दोनों इसमें डालने की कोशिश कर रहे थे और तंजिया हमारी हेल्प कर रही थी। खैर, कोई बात नहीं, ये अच्छे से इसमें फिल हो गया है। उसके बाद इसको इस तरह से हमें ऑयल में फ्राई कर लेना है। ये काम अगर आप देसी घी में करेंगे तो बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा, लेकिन अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको अलट पलट के इस तरह से हम इस पर अच्छा सा डार्क कलर आने तक, यानी सुनहरा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम रखिएगा। अब इधर हम जो है, एक जार में हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, साथ में जो काजू और बादाम हमने भिगा कर रखा था उसे डाला है, और साथ में इसमें जाएगी
फ्रेश क्रीम यानी मलाई दूध की, और इधर हमने 4-5 टमाटर का पेस्ट भी बना के रख लिया है। अब देखिए ये मसाला हम इस तरह से रेडी करेंगे। ऑयल में हमने प्याज डाली है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही काफ़ी है। उसके बाद जो हमारी मसाला जो हमने मैरिनेशन का था वो बचा करके रखा था, हमने आपसे कहा था मैरिनेशन ज़्यादा बनाइएगा, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के रखा है उसे ऐड कर देंगे। मैरिनेशन का जो मसाला है वो बहुत ही टेस्टी है, उसे आप ऐड कर देंगे तो किसी भी चीज़ और को डालने की और ज़रूरत नहीं है। साथ में मिर्ची पाउडर हमने थोड़ी सी डाली है, और ये देखिए जो काजू बादाम और मलाई का जो हमने पेस्ट बनाया था वो उसे हमने डाल दिया है इसमें। अब बारी है भुनाई की, अच्छे से भून लेंगे। अब नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। मसाला भुन जाने के बाद इसमें हम चिकन जो हमने फ्राई करके रखा है उसे डाल देंगे, और सारी जो ग्रेवी है जो मसाला है इसके ऊपर कोट कर देंगे। फिलिंग थोड़ी सी बच गई थी उसे हमने इसमें ऐड कर दिया है, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। बस इसे दम पर रख करके आप पलट पलट के पका लीजिए। मज़ेदार सा हमारा मुर्ग मसाला रेडी हो गया है। अब आप इसे जैसे चाहिए वैसे गार्निश कर दीजिए, पर हाँ इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। और साथ में यहाँ पर हमने बना लिया था काबुली पुलाव, इसे हम देखिए कैरेट के साथ बनाते हैं। साथ में हमने मटर डाली है, किशमिश डाला है। रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो हमारी ये तो बहुत ही ज़बरदस्ती आज दावत हो गई थी और बहुत ही मज़ा आया आज हमें हमारा ये जो लंच था इसे करके। और इसके बाद जो हुआ वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या इंसिडेंट हो गया, क्या हादसा हो गया। होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है, पर वो है क्या जब आप वीडियो को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और फिर आपसे क्या छुपाना, आप तो हमारी फैमिली हैं, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। तो हुआ यूँ कि हमारे पास मैंगो आइसक्रीम रखी हुई थी, तो हमने सोचा उसका भी हम केक बना लेते हैं। तो बस उसका हम केक बना रहे थे तो हमने कहा लाओ थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। अब क्या हुआ ये आप खुद देख लीजिए। तो सब कुछ रेडी हो गया है और बस केक को बेक होने के लिए अवन में जाना है। तो अवन से जब ये बाहर निकला तब क्या हुआ, बस आपको ये दिखाना है। कोई बात नहीं, होता है अक्सर ऐसा, तो देखिए और आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए कि क्या हुआ आगे। वैसे आलिया हमें पहले ही वार्न कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर हमने उसे डांट के हटा दिया कि तुम साथ में खड़ी हो इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो ये देखिए केक कितना अच्छा बना है, बट इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। केक में मिस्टीरियस थिंग है इसमें, आपको पता है मैदे की जगह राइस फ्लोर मिला है, सब एक साथ रखा हुआ था। अब मम्मी कंफ्यूज होके डाल दी, और जबकि हम लोग नहीं हुए, आप नहीं, मैंने नहीं किया, आप बीच में दी, इसलिए जब किचन में हम काम करते कोई आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। सब लेवल लगा हुआ है, लेवल हमने लगा रखा है, चल कर रखा है। आपको पता है चावल का आटा इसमें चला गया, और दूसरी चीज हम लोग जब इसको केक के बैटर को टेस्ट कर रहे थे कि मीठा परफेक्ट है कि नहीं, थोड़ा आ रहा था उसका टेक्सचर टाइप, थोड़ा ये आ रहा था। मैंने मम्मी से कहा मम्मी आ रहा है, मम्मी ये बेसन की तरह इसका फ्लेवर आ रहा है, तो कह रही नहीं तुम लोग को नहीं खाना है ना मत खाओ, सही बना एकदम। आपने ऐसे ही बोला था, आपने भी टेस्ट किया आपने, हाँ कुछ डिफरेंस है, कच्चा था इसलिए हमने कहा नहीं डिफरेंस नहीं। तो ये फाइटिंग होती रहेगी दोनों के बीच। अब देखते हैं केक देखिए कितना प्यारा आया, अब इसमें से अब इसको टेस्ट करके बताया जाएगा कि ये कैसा है। हाँ। और आप दिखा, आप देख सकते हैं हम उस पे जो लेवल है लगा उसको नहीं देखते हैं, हमें पता है कि 1 नंबर पे 2 नंबर पे 3 नंबर पे हमने क्या रखा है, तो बस हम अंदाज उठा लेते हैं। और यहाँ पे किसी ने गड़बड़ किया है, ये तुम्हें किया होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने उठाया? डिजाइन देखिए कितनी अच्छी है, मुझे लग रहा है जल गया क्या। नहीं नहीं वो डार्क चॉकलेट थी ना उसपे, सॉरी वो था ना कोका पाउडर था ना। चलिए अब इसको फिर टेस्ट किया जाएगा कैसा आता है, आ जाए केक की तरह। मजाक उड़ा रही हो? नहीं आलिया तो बोल लिया बाटी आएगी, अभी देखते हैं फिर पता चलता है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हो गया। मैं मम्मी से कह भी रही हूँ कि बस दाल बना लीजिए, चोखा बना लीजिए, हम लोग मीठी बाटी, मीठी बाटी चूरमा जिसको कहते हैं एकदम वही। पहले इसको वो
में बहुत गर्म है तंदूरा। वैसे स्मेल तो चावल के आटे की ही आ रही है एकदम, जैसे होता नहीं है कि वो चीज में कोटेड। अब ये तो पूरा उसी का बना है, बेसी उसी का है। मैं निकालूंगी। ओह माय, नहीं मम्मी अभी नहीं हुआ, साइड से निकल रहा है। लोग आइसक्रीम खाने के लिए लाते हैं, हम लोग केक बनाने के लिए आइसक्रीम लाएंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और ये देखिए आप, इसका कलर देखिए। आले इसको आप टेस्ट कर सकती हो। सच्चा बकवास। बकवास। इसको मैं अभी कह रही हूँ कि इसको हटा दीजिए। अरुको, इसको अभी हम कुछ करेंगे, रुक जाओ। कुछ मत करिए, इसमें दाल डाल के डाल दीजिए इसको दाल में। मिठास इसमें थोड़ा सा कम हो गई है शायद। मैंने आपसे कहा भी था बाद में कि चीनी डाल दी तो ऐड कर दी। सुनो, पहले इसको ठंडा तो होने दो, हम लोग हर चीज बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। थोड़ा सा मिठास कम हो गई है, मैं भी टेस्ट करती हूँ, रुक जाइए। नहीं, शुगर सिरप बना के तंजिया इसमें डाल। तो शुगर सिरप कैसे डालोगी अभी? तो मैं पूरा हैप्पी बर्थडे टू मी अपी, और बड़ा पीस कट करके एक बार ट्राई करो, मजा आएगा। नहीं, थोड़ा पीस नहीं, और बड़ा सा थोड़ा सा कट करके ट्राई करो। शुगर कम हो गई, आलिया सही कह रही, फ्लफी बहुत है। देख रहे, देखने से कितना अच्छा दिख रहा है। और एक चीज आप लोग को और रिवील करते हैं, मम्मी ने इसमें चीनी की जगह बेकिंग सोडा डाल दिया। अगेन आई वांट हर, मतलब वो एक सेम बॉक्स में चीनी और बेकिंग सोडा रखा था, तो मम्मी को समझ नहीं आया, उस पर तो लेबल तक नहीं लगा था। और फिर मम्मी ने क्या किया, शुगर समझ के उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। अब सोचिए शुगर केक में कितनी रहती है। अब बेकिंग सोडा तो अब इमेजिन कर सकते हैं इस केक का टेस्ट, क्योंकि आपको पता ही है शुगर केक में कितनी डलती है, और ये तो बेकिंग सोडा था। सरप्राइज, हम लोग ने नई डिजाइन का केक बनाया, हम लोग ने सारे इंग्रेडिएंट चेंज करके बनाए। सो हम लोग को आप हाई फाइव दीजिए अगर आपको ये केक पसंद आए। इसको ट्राई करना मत भूलिएगा, बहुत शानदार केक बना है, जरूर ट्राई करिएगा। बेकिंग सोडा की जगह चीनी मस्ट है, अरे नहीं, चीनी की जगह बेकिंग सोडा मस्ट है। तो ये थोड़ा मिस्टेक, और राइस फ्लोर भी चाहिए। तो ये मिस्टेक की वजह से पूरा ब्लेंडर हो गया, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं, तो हमारे साथ आपने भी इंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।